नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल की 1250 क्वार्टर के क्षेत्र में मंत्रियों विधायकों के लिए 29,000 पेड़ काटे जाने पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर नूतन कॉलेज के सामने दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवान दास समनानी का लोगों ने सम्मान किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सहित आम जनता मौजूद रही। पेड़ों को न काटे जाने का विरोध लगातार आम जनता विपक्ष कर रहे थे। वहीं पेड़ काटे जाने की खबर पर भगवान दास समनानी खुद मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधकर पेड़ों को न काटे जाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद पेड़ काटने का निर्णय बदल दिया गया। इस मौके पर विधायक समनानी ने कहा, वो भोपाल के बाशिंदे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी पेड़ न कटने के निर्णय पर आभार जताया। वहीं पर्यावरणविद सुभाष पांडे ने इसे जनता की जीत बताया और पर्यावरण को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाने की भी बात कही। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। मैंने कहा, जिस दिन ये समाचार छपा था उस दिन ही मेरे मित्र सुयेश कुलश्रेष्ठ जी ने मुझे कहा कि हम सब लोग मिलकर के इसको बचाने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा, आप हमेशा मेरे को अपने बीच में पाएंगे, जब आप बुलाएंगे तब आपके साथ हूँ। और यूं भी मैंने उसी दिन ही माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी स्थानीय शासन मंत्री हैं, उनसे बात की। बाद में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात की। मैंने कहा, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, हम भोपाल के विकास के समर्थक हैं, लेकिन पेड़ काट कर इस कीमत पर तो हम कतई तैयार नहीं हैं। और जब ये बात हुई तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल होती है भोपाल को बचाने के लिए। भोपाल की अगर सांसें उखाड़ने की तैयारी अधिकारियों के द्वारा की जा रही थी तो उसको रोकने का प्रयास कल ये सुखद समाचार दोपहर में मिला कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने उस पूरे प्रस्ताव को वापस लेकर के नए सिरे से जनता के साथ एक विचार करके नए प्रोजेक्ट पर बात होगी। तो चाहे वो विधायकों का आवास हो चाहे मंत्रियों के आवास हो, वो ऐसी जगह बने जहां पेड़ न कटे, क्योंकि भोपाल की पहचान तालों से है, छेल शिखरों से है, ये हरियाली से। इस हरियाली को हटा करके तो फिर भोपाल का अस्तित्व नहीं है। ये हरियाली है तो ही भोपाल है, तो ही हम लोगों का जीवन है। इसलिए मैं भोजपाल कल्याण समिति को बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और हम सब मिलकर के इसमें सहभागी बने। भोपाल को बचाना, हरा भरा रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए गंगा दशहरा यानी कल परसों 16 जून से लेकर के वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। बड़े स्तर पर हम वृक्षारोपण करेंगे। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने भी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प है। और हम भी अपने अपने क्षेत्र में, मेरी भी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक बूथ में वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम होगा। बारिश आ गई है, बारिश के साथ ही वृक्षारोपण करें। हम अपने लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं, ये मेरी प्रार्थना, ये अपील है। इसलिए मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री कैलाश विजयवर्गीय जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को आपने स्थगित करते हुए नए स्थान के लिए और जहां पेड़ की कटाई नहीं होगी, ये आपने जो आश्वासन दिया है निश्चित रूप से भोपाल के हित में है। इसलिए सभी भोपाल वासियों की तरफ से मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूं, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लोग एकत्रित हैं, वहां खड़े हो जाओ, इतने भर से काम नहीं होता। अगर विषय है तो विषय की गंभीरता को हम समझते हैं और इस गंभीरता के साथ ही जैसे ही आया तो ये पार्टी की लाइन ये है कि हमको वृक्षारोपण करना है। इसलिए जैसे ही साथियों ने कहा कि आपको भी रक्षा सूत्र बांधने के लिए आना है, मुझे कहा समय आप बताइए, मैं आऊँगा। क्योंकि मैं समाज से हटकर नहीं हूँ, सोसाइटी से हटकर नहीं हूँ, भोपाल से हटकर नहीं हूँ। मैं भोपाल का नुमाइंदा हूँ, भोपाल की जनता ने मुझे चुना है दक्षिण पश्चिम की, मैं आपके बीच में हूँ। जब भी कोई कठिनाई होगी, ये तो वृक्षारोपण है तो जान लगा देंगे, और भी कोई बात होगी तो सदैव जनता के बीच में हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दूरगामी नेतृत्व ने इसको वापस लेकर के सिद्ध कर दिया कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए पूरी जोखिम लगा करके पूरा काम करेंगे। माननीय शिवराज जी प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने किया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने आज तक देश में कहीं नहीं किया। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।